हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल स्माइली डेंटी आज हम लोग बात करेंगे बच्चों की ओरल केयर के बारे में क्या आप लोग ने कल रात में अपने बच्चों के दांत साफ करे क्या बच्चों ने अपने दांत ब्रश किए रात में ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी आज और मुझे ये यकीन है कि आधे से ज़्यादा लोग बोलेंगे नहीं क्या रात में दांत साफ़ करना ज़रूरी है बिल्कुल बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए तो ख़ास से बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की लाइफ हम लोग सभी जानते हैं आज का आज कल का खान पान फास्ट फूड का ट्रेंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सिर्फ पेट की बीमारियाँ ओबिसिटी यही सब नहीं हो रही है सबसे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम शुरू हो रही है वो दांतों से ही शुरू हो रही है चॉकलेट्स पिज़्ज़ा बर्गर्स मिठाई एंड सबसे सबसे खराब चीज़ कोल्ड ड्रिंक्स जो दांतों को बहुत 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 ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है कोल्ड ड्रिंक एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कह सकते हैं एक शुगर सिरप है कि स्वीट डिश चाहिए तो कई हद कई बार पेरेंट्स इससे बच नहीं सकते आप अपने बच्चों को रोक नहीं सकते खाने से बट आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि उनके दांतों का ख्याल रखें उनको सिखाएं उनको एजुकेट करें कि कैसे अपने दांतों का हम लोग ख्याल रख सकते हैं कैसे ब्रश कर सकते हैं जब बच्चा छः साल तक का होता है तो वो कई बार खुद ब्रश नहीं कर सकता इसलिए पेरेंट्स थोड़ा अपना समय निकाल के थोड़ा पेशेंस से उसके खुद उसके दांत ब्रश करें रात में और उसको माउथ वॉश कराएँ आजकल मार्केट में बच्चों के लिए स्पेशली बहुत सारे माउथ वॉशेस अवेलेबल हैं और जैसे कि पहले एपिसोड्स में मैंने आपको बताया है कि छः से सात साल में दूध के दांत गिरने लगते हैं और परमानेंट दांत जो कि लाइफ लॉन्ग आपका साथ देंगे वो निकलने लगते हैं तो इस एज में एक बार अपने डेंटिस्ट से ज़रूर संपर्क करें इस एज में बच्चों को डेंटिस्ट के पास लेके जाएं क्योंकि कई बच्चों के दांत का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें कि बहुत जल्दी कैविटी लग जाती है बहुत उसका जो दांत का सरफेस होता है वो बहुत ऊबड़ खाबड़ होता है ये हम लोग रियलाइज़ ही नहीं करते और पेरेंट्स आके बोलते हैं कि देखिए ये इतनी चॉकलेट खाता है और इतना जंक फूड खाता है इतनी कोल्ड ड्रिंक पीता है इसके सारे दांत खराब हो गए हैं बिल्कुल बात नहीं सुनता हमारी बट कई बार उस बच्चे की गलती नहीं होती है उसका दांत का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है कि वो चाहे जितना भी साफ़ कर ले उसके लिए बहुत मुश्किल है कि उसके दांत में कैविटी ना लगे अब इस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए आपका डेंटिस्ट जो है ये इस चीज़ को डायग्नोस करेगा और एक एक फिलिंग होती है जो हम लोग बच्चों के दांतों के ऊपर लगा देते हैं एक फ्लोराइड ट्रीटमेंट होता है जो बच्चों के दांतों के ऊपर लगा देते हैं जिससे आगे जाके दांत में कीड़ा लगता ही नहीं है तो ये लोगों को मालूम नहीं है लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है ये आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि दांत में कीड़ा तो लगा नहीं है तो हम क्यों जाएँ ये ट्रीटमेंट कराने लेकिन इससे आप अपने बच्चे के दांत सिक्योर कर देते हैं काफ़ी सालों तक वो आपको आगे जाके बहुत बहुत थैंक यू बोलेगा इसलिए इसका ज़रूर ध्यान दें और एवरी सिक्स मंथ्स अपने बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले जाएँ ट्रीटमेंट अगर ज़रूरी है तो कराएं, बिल्कुल कराएं, बिकॉज़ ये जो दांत हैं ये लाइफ लॉन्ग उसके काम आने वाले हैं और अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो भी उनसे एडवाइस लें कि हर एज में कैसे अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं थैंक यू